सर, दो आदमी पकड़े गए हैं, एक मर गया और एक को अस्पताल ले जा रहे हैं। हेलो, नहीं, उसे भी यहाँ ले गया। रास्ते में जो मिले उसे शूट कर दो। I just want him right here, right now. सभी आ रहे हैं। औकात नहीं है तुम्हारी कि तुम आका की बातों को समझ सको। उनकी बातों में जादू है, जादू रूह खुश हो जाती है। अरे तुम तो उनका चेहरा भी नहीं देख सकते, इतनी चमक है उनके चेहरे में, मानो जैसे 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 नूर बरसता हो। नूर, आंखें टिकती नहीं है, दिल करता है कि बस देखता रहो, देखता रहो। उनकी बातों को कोई भी सुनेगा ना तो तुम भी अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाओगे बिना किसी सवाल के। किसी की कोई औकात, कोई दिसाप नहीं है उनके सामने। वो किताब की एक एक बातें बताते हैं जो तुम जैसे की समझ में नहीं आएगी। इसीलिए क्योंकि तुम काफी हो, काफी। आका कहते हैं कि जो मजहब और दीन के लिए हिफाजत के लिए अपनी जान गंवाता है उसका दर्जा बुलंद होता है, बुलंद। आका ने कहा कि जो अल्लाह के लिए जान देता है अल्लाह उसके हर गुनाह को चाहे घटिया से घटिया गुनाह क्यों ना हो उन्हें माफ कर देता है। उनसे कोई सवाल जवाब नहीं होता। ये तुम क्या जानो, अल्लाह रसूल जिहाद। तुम्हें तो अभी मजहब का इल्म भी नहीं पता। खुदा कसम, जिस दिन आका ने हमें इस नेक काम के लिए चुना उसी दिन हमारी जिंदगी कामयाब हो गई। इस नेकी के बाद हम सीधे जन्नत जाएंगे। जन्नत
आकर ने विदा करने से पहले कहा, जाओ बच्चों, जाओ, तब तक मारते रहना जब तक जिसमें जान है, तबाही मचा दो, खत्म कर दो मजहब के हर एक दुश्मन को, खत्म कर दो। शहादत के बाद हमारे जिस्म से पाकिस्तान की खुशबू आएगी। और फिर आका ने कहा, अल्लाह हाफिज, परवरदिगार हमें हमारे मकसद में कामयाब करे। अगर जीत गए तो गांधी और कुर्बान हुए तो शहीद। आका ने कहा कि तुम्हारे घरों की हिफाजत अल्लाह करेंगे, अल्लाह। सच बताऊं, तुम्हारे फौजियों की तरह तुम्हारे जिंदा लोगों को मारने में जो मजा मिला, कसम से अब क्या करूं, क्या कर रहे, सड़ाओगे, मारोगे, लटका दोगे? मैं जिंदा रहना चाहता हूं, जब तक जिंदा रहता हूं अपने साथियों के साथ रहना चाहता हूं। बोल, रहने देगा, रहने देगा? अपने साथियों के साथ रहना चाहता है तू? इन्हीं के साथ रहना चाहता था ना तू? जन्नत छोड़, जहन्नुम का भी दरवाजा खटखटाया होगा ना इनकी रूह ने, तो वहां बैठे शैतान ने उनकी गांड पे लात मार के भगा दिया होगा। यही कहीं भटकती होगी इनकी रूह, मैं तो नहीं देख पा रहा हूं, शायद तू देख सकेगा, तो तेरे अपने हैं। कौन है, क्या नाम है इसे? अब्दुल। अब्दुल, पूछ इससे क्या होता है जिहाद, शायद अब समझ गया होगा, पूछ। इकतालीस बार जिक्र आया है जिहाद का बाप किताब में, फिर भी तुम लोग नहीं समझे, तुझे क्या लगता है कुरान सिर्फ तूने और तेरे आका ने पढ़े, हम लोग जाहिल हैं, हमारी कोई औकात नहीं, हिसाब नहीं? औकात क्या है तेरे आका की? डर से तेरे आका ने तुझे ये नहीं बताया कि तू अशरफुल मखलूक है, यानी इंसान, खुदा की बेहतरीन तकनीक इंसान। इंसानों को बनाने के बाद खुदा ने हुक्म दिया था फरिश्तों को सजदा करने का, जानता भी है तू? तेरे आका ने तुझे ये नहीं बताया कि जहन्नुम की आग से बचने के लिए उसने तौबा बनाई है? सच्चे दिल से अगर अपने गुनाहों की तौबा करता तो भी जन्नत तेरी थी। तेरे आका ने
कुरान की इस नसीहत को तुझे नहीं बताया? कैसे बता? तुझे जिहाद का गाजर दिखाकर तुझसे ऐसी घिनौनी हरकत जो करवानी थी। उसने कहा, इस्लाम खतरे में है, जिन पर आफत आ गई है, और तूने भून कर रख दिया मासूमों को। उन मासूम बच्चों और औरतों से कौन सा खतरा था तेरे मजहब को? हाँ, इस्लाम की नींव ही इंसानियत पर टिकी है, इसका तुझे इल्म नहीं है, क्योंकि तू जाहिल है। ऐसे ही जिहाद के बाद तू समझता है कि तेरी रूहें पाकीज़ा और नूरानी रहेंगी। देख इनके इनके चेहरों को, घिन आती है, घिन सूंघ इनके बदन से आ रही शहादत की खुशबू को नाक बंद करता है। तेरे आकाओं ने लाशों को पहचानने तक से इनकार कर दिया, दो गज की जमीन तक नहीं मिली इन लाशों को। सारी दुनिया घूम रही है, इसे कुदरत शहादत कहते हो? अरे शहादत देखनी है तो बाहर जाकर देख, जिससे किसी का धर्म पूछा ना मजहब, लुट जाए अपने फर्ज पर। भगवान और अल्लाह की बनाई हुई कुदरत और इंसानियत के लिए अपनी शहादत दे दी, इसे कहते हैं शहादत। सब लोग मातम मना रहे हैं उनका, सबके आंखों में आंसू, उन्हें तो इसी दुनिया में जन्नत मिल गई, इसे कहते हैं शहादत। तो खुशी से झूम उठा था ना जब तेरे आका ने तुझे इस काम के लिए तुझे चुना था। एक बात बता, जिसको तूने मारा, कभी अपने जमीर से पूछा कि उनका गुनाह क्या था? जमीर जमीर जानता है, जमीर बच गए तो काफी, नहीं तो शहीद। तेरे आका ने तुझे ये नहीं बताया कि कयामत के रोज सबसे पहले ऐसी घिनौनी हरकत करने वालों की सजा होगी? ये मैं नहीं, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। उनकी वादे उनकी नसीहतें जानता भी है तू? तमाशा बनाकर रखा है जिहाद को, तमाशा। एक बार कुरान ठीक से पढ़ा होता या सिर्फ पढ़ा होता तो भी समझ जाता कि मुसल्लम ईमान क्या होता है। तेरे उम्र का छोटा भाई है मेरा,